नमस्कार भाइयों और बहनों। ये अच्छा नहीं हुआ, फिर से टेक टू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो है अरे यार तुम फिर से लाइन भूल गए। हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्यों पेड़ पौधे बचाना चाहिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अरे यार वीडियो शुरू करना। तो देखिए दोस्तों, मैं क्लास 3 वाले डिस्कशंस में नहीं जाऊंगा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, हमें खाना देता है वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पेड़ हम इंसानों के आने से पहले थे और हम इंसानों के मरने के बाद भी रहेगा। इसलिए हम कौन होते हैं? पेड़ काटने वाले। हम डेवलपमेंट के नाम पे जितना पेड़ इलीगली काटते हैं वो इन ह्यूज अमाउंट्स में है। अगर हमें सचमुच के डेवलपमेंट करना है तो हम जितना जगह कम लेकर कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। हर रोड के पास बड़ा और शेडी ट्रीज हमें लगाना चाहिए। अगर इस दुनिया में पेड़ ही ना हो तो हम इंसान विद इन 4 इयर्स में टाटा गुड बाय हो जाएंगे। ग्रेटा थनबर्ग, आपको पता है ये कौन है? ग्रेटा थनबर्ग एक वर्ल्ड एनवायरमेंटल लीडर है जो सिर्फ 15 साल की उम्र में पेड़ और पशु पक्षियों को बचाने का काम करती आई है। अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं? मैं तो बच्चा हूँ, मुझे छोड़ के आप लोग क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, मैंने जिस टॉपिक पर डिस्कशन किया मैं फनी तरीके से किया, लेकिन ये रियलिटी में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। अगर पेड़ पौधों पशु पक्षियों को हम ना बचा सकते हैं तो ये पृथ्वी बहुत सून खत्म हो जाएगा। तो मैं ये फनी तरीके से बोला, लेकिन आप लोग ये सोच कर देखिए, जब भी हो सके आप एक पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ लगाने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता। आपको उस छोटे से पौधे को पानी देना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, और जब एक दिन वो पौधा एक पेड़ में बदलेगा तो आपको इतनी खुशी होगी कि मैं बता नहीं सकता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल के बारे में आपके फैमिलीज, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताना। और अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं। टाटा गुड बाय। अरे यार वीडियो ऑफ कर रे पापा।